अच्छा आपको मेरी आवाज आ रही है सबको तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं जी भाई तो आ रही है ठीक है ठीक अच्छा तो हम बात कर रहे थे हमने बेसिकली जो है वो चार के ऊपर बात की है अभी तक सबसे पहली जो चीज है वो है आपका डाटा वट इज योर डाटा डाटा होता क्या है और उसकी स्टोरेज वगैरह क्या होती है उसकी डिमेंशन क्या होती है और इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या ये चारो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको डाटा से कुछ भी करते हुए कहीं पर भी मसला है तो मेजोरिटी केसेस में आपका जो प्रॉब्लम होता है वो इनकोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर आगे खत्म होता है तो आपने इनकोडिंग और डिकोडिंग को वो प्रॉपरली देखना है क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर इनकोडिंग और डिकोडिंग नहीं होगी डाटा की तो आप उसको एनालाइज नहीं कर सकेंगे तो कुछ भी प्रोजेक्ट करने से पहले आपने मेक श्योर sure करना है कि आपने इनकोडिंग वगैरह ठीक किया है जब हम इसकी कोडिंग कर ना पाइथन में आपको स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहे होंगे तो वहां पर भी हम इनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रॉपर जो है वो ध्यान रखेंगे अदरवाइज आपको जो एरर जो है वो नजर आएंगे आपको अगर आप में से कुछ लोग वेबसाइट्स पे काम करते हैं तो आपको किस्म के दफा नजर आते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको लगता है जैसे किसी बंदे ने इसके ऊपर अटैक किया वेबसाइट के ऊपर या कोई मालवेयर आ गया तो वो भी इनकोडिंग और डिकोडिंग की तरह की की, आ, की प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही आपको जो है वो नजर आते हैं करेक्टर्स अजीबो गरीब किस्म के मतलब वो इतने अजीबो गरीब होते हैं कि आपको पता नहीं होता कि उनका मतलब क्या है क्योंकि उनकी डिकोडिंग प्रॉपर नहीं होती अच्छा अब हम इतना तो हमें पता चल गया कि डाटा बहुत ज्यादा जरूरी है डाटा के डाटा को हमारे पास आएगा कैसे और ये आज का नहीं है डाटा जब से ये कायनात बनी है तब से डाटा मौजूद है ठीक है आ, उस वक्त इसके फॉर्मेट कुछ और होते थे कुछ चीजें और होती थी आज हम डिजिटल फॉर्मेट में बैठे हुए तो हमारे पास ये चीजें और है आज से दस साल बाद जब ए बहुत ज्यादा आम हो जाएगी तो उसके डाटा की हमारी हो सकता है हमारे समझने की जो चीजें हैं वो मजीद चेंज हो जाए वी डोंट नो अबाउट दिस लेकिन जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं अब आप लोग डाटा डाटा साइंस के कोर्स के अंदर आए हैं जो हमारे प्रोफेशन हम तो से तकरीबन पिछले दस साल से हम यही तीन जो है कैटेगरीज को लेके चल रहे हैं इसके अंदर हम बहुत ज्यादा नई डेवलपमेंट्स भी आ गए लेकिन बुनियादी तौर पे ये भी मेजर जो है वो हमारे पास तीन ही हैं डाटा इंजीनियर डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट ठीक है इनमें से जो सबसे मुश्किल काम है जिसके अंदर ज्यादा पैसे भी मिलते हैं आपको वो डाटा साइंटिस्ट के अंदर मिलते हैं डाटा इंजीनियर की भी सैलरीज अच्छी होती है एनालिस्ट का काम जो है ये एवरेज काम जो जिनको एवरेज काम आता है वो भी कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको कंपटीशन भी ज्यादा मिलता है डाटा इंजीनियर और डाटा साइंटिस्ट के अंदर आपका कंपटीशन जरा कंपैरेटिवली कम होता है और करना बेसिकली क्या होता है जो इंजीनियर होता है उसका काम सारी की सारी डाटा हैंडलिंग करना होता है जैसे ये यहाँ पे मैंने आपको बताया ये डाटा उसके पास आया है इसकी प्रॉपर डिकोडिंग करना इसको किसी स्टोरेज फॉर्मेट के अंदर जाके सेव करना और मेक श्योर करना कि जब भी डाटा की जरूरत हमें पड़ेगी तब हमारे पास डाटा उस फॉर्मेट के अंदर हमें हमने क्लाइंट क्ला, को या यूजर को डिलीवर करना है जिसमें वो रिक्वेस्ट करेगा तो जो डाटा के अराउंड उसकी इंजीनियरिंग का काम होता है वो सारे का सारा काम आपका डाटा इंजीनियर कर रहा होता है ये हम इस कोर्स में नहीं करेंगे हम सिर्फ बेसिक डाटा हैंडलिंग करेंगे एनालिस्ट जो होता है ये को कर रहा होता। इसका काम होता है उसके ग्राफ्स कैसे बनेंगे ठीक है इसमें उसने थोड़ी सी आर्टिस्टिक टच देनी होती है उसको और उसकी बेस पे उसने स्टोरी जो है वो ड्राइव करनी होती है कि कैसे इसको जूसी बनाना है कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि रीडर को एंगेजमेंट दी जा सके

अच्छा जो डाटा मतलब जो होता है जो से ज्यादा एनालिटिकल कैपेबिलिटीज इसके पास होती है ये चीजों को जो है ना वो क्रिएटिव मेनू में लेता है ये उनको क्रिटिकल मेनू में लेता है ये बुनियादी तौर पे फर्क है डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट के अंदर डाटा एनालिस्ट कोई भी होता है जो बंदा एक्सेल ग्रा, से ग्राफ भी बना रहा हो कह रहा है जी मैं डाटा एनालिस्ट बन गया

जो डेटा एनालिस्ट, जो डेटा साइंटिस्ट है इस पर इसके पास और और की जो है ज्यादा होंगी. जो या कोई भी चीज एनालाइज करने के लिए देंगे तो वो उसको साइंटिफिक बुनियादों पर सिर्फ ये नहीं कि भाई ये मेरे पास एक्स और वाई का डाटा और मैंने इनके दरमियान ग्राफ बना दिया नहीं डाटा साइंटिस्ट का काम उसको साइंटिफिक बुनियादियों के ऊपर परखना है, उसको देखना है कि जो मैं चीजें नहीं आपने स्कूल के अंदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं वो पढ़ा होगा तकरीबन वही चीज हम यहां पे भी डाटा साइंटिस्ट का जब काम कर का रहा होगा तो वो भी इन्हीं चीजों को देखता कि जो बुनियादी साइंस के असूल है उनकी कहीं हलाफ तो नहीं हो रही ये कहीं मैं

उस इंटरप्रिटेशन की बेस पे नए ग्राफ्स बनेंगे और वो ग्राफ जो है उनकी बेस के ऊपर स्टोरी टेलिंग होगी लेकिन ये 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 पूरे का का पूरा जो प्रोसीजर प्रोसीजर है 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 आपका एक साइंटिफिक ठीक है। है? ऐसे नहीं है कि भाई एक्सेल में एक्स और और वाई जेड कॉलम का का लिया प्लाट बना दिया आपको ऐसे नहीं है तो ये जो अच्छा फिर जो यहाँ पे एल्गोरिदम यूज हो रहे होते हैं वो आपके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड मशीन लर्निंग के ए आई के एलगोरिदम्स आप यूज करते हैं आप सादा डाटा की ग्राफ्स वगैरह नहीं बना रहे होते बल्कि उसको एनालाइज कर रहे होते हैं

बीस स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं उनमें से पांच जो है पंजाब से आए हैं से सारी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज करके दे रहा होगा और आपने सिर्फ और सिर्फ एक उसकी बेस पे अच्छी कंपेलिंग स्टोरी लिखनी है जब आप स्टोरी लिख रहे होंगे तो स्टोरी टेलिंग इज अ सेकंड आर्ट मतलब वो एक सेपरेट चीज है कि आपने ये बताना है कि भाई सिंध से हमारे पास कराची से ज्यादा बच्चे क्यों आ रहे हैं या पंजाब से ज्यादा बच्चे क्यों आ रहे हैं वहां पे इस वजह से ज्यादा से आ रहे हैं या इस वजह से नहीं आ रहे तो ये जो रीजनिंग है रीजनिंग इज आल्सो द पार्ट जो कि आपने स्टोरी टेलिंग के अंदर डालना होता है तो ये सारे का सारा काम जो है ये आपका डाटा साइंटिस्ट कर रहा होता है क्योंकि ये काम ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है और एनालिसिस के अंदर सबसे ज्यादा टाइम लग रहा होता है इस वजह से इनके पास जो सैलरीज हैं जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर भी इन्होंने करना होता है इनकी सैलरीज नॉर्मली जो है बाकी दो से ज्यादा होती हैं डाटा इंजीनियर्स भी अच्छी सैलरी लेते हैं क्योंकि इनका काम भी जरा टफ होता है लेकिन कंपेरेटिवली uh, डाटा साइंटिस्ट अच्छी सैलरी ले जाते हैं इनकी मार्केट में जॉब जो है वो कंपिटेटिव होती हैं अच्छा ये मैंने अभी थोड़ी सी आपको ना इसको डाटा साइंटिस्ट को एक्सप्लेन करते हुए चीजें जो है वो थोड़ी सी डाटा साइंस की बता दी हैं लेकिन हम इसको दोबारा जो है वो देख लेते हैं एक बड़ी अच्छी बुक है मैं यहाँ पे इसको ओपन भी करता हूँ आपको रिसर्च गेट से फ्रीली मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे आप जाएंगे तो आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं द फील्ड गाइड टू डाटा साइंस डाउनलोड फुल पीडीएफ करेंगे तो आप ये बुक पूरी की पूरी डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं ठीक है मेरे मैंने डाउनलोड की हुई है और उसके अंदर से आपको ये एक पिक्चर जो है वो मैं ले, आपको दे रहा हूँ ये भूज एलन की जो है पिक्चर है और इसके अंदर उसने डाटा साइंस को एक्सप्लेन किया हुआ है ये वेन डायग्राम बनी हुई है आपने से अगर किसी ने डाटा साइंस का डाटा एनालिसिस का पहले कोर्स लिया हुआ है या पता है तो उन्होंने ये एग्जाम्पल देखी होगी इसका जो सोर्स है वो भूज एलन है और यहाँ पे इस बुक के अंदर आपको ये पिक्चर मिल जाएगी इसके अलावा और भी बहुत अच्छी चीजें डाटा साइंस के बारे में लिखे हैं ये आपको ये हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे इनडायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे सॉरी डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे इन मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप इस बुक को डाउनलोड करके अगर आपको रीडिंग का शौक है तो आप जरूर पढ़िएगा इस बुक को अच्छा अब हम डाटा साइंटिस्ट की तरफ से आते हैं ये बेसिकली डाटा साइंस करता क्या है जो मैंने बात आपको पहले बताई है ये साइंटिफिक स्टडी करता है ये साइंटिस्ट है बेसिकली ये गली मोहल्ले में चूने बेचने वाला नहीं है ये साइंटिस्ट है इसने एक्सेल की शीट से डाटा नहीं बनाना इसने साइंटिफिक बुनियादों पे काम करना और उसके पास जो डोमेन स्पेसिफिक इनसाइट्स हैं वो बड़े अच्छे होते हैं यानी अगर एक बंदा फोरेंसिक के अंदर काम कर का रहा है फोरेंसिक एनालिसिस काम कर का रहा है या एक बंदा डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है डाटा एनालिसिस का तो उसको पता होना चाहिए कि ये सी जो है सीआरएम क्या होता है या सी क्या होता है सीपीएम क्या होता है ये टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए और उसको ये भी पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेट किए कैसे की जा सकती है अगर मैंने किसी जगह पे एस की वोलिटेलिटी कैलकुलेट की है तो इसका मतलब क्या है

डिजिटल मार्केटिंग इट है क्या इसके अंदर कौन कौन सी डोमेन्स हैं मतलब अगर हम अफिलियट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं ये कैसे काम कैसे करती हैं अगर मैंने अपना सी बढ़ाना है तो मुझे अपनी जो कंपेन कम, है पीपीसी की कंपेन है उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा किस जगह पे किस कंपेन के अंदर मुझे बजट कम रखना है तो ये जो जितनी भी चीजें हैं आपने पैरामीटर एडजस्ट करने हैं ये वाला आपका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास जरूर होना चाहिए मैथमेटिक्स और कंप्यूटर अच्छा, सारी -सारी है, है सारी -सारी क्योंकि में से बहुत सारे बंदे डिफरेंट डोमेन्स के अंदर से आते हैं किसी ने बड़ा अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ा होता है किसी की प्रोग्रामिंग अच्छी होती है किसी को वैसे डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है तो अगर यह बात है तो हमें यह पता होना चाहिए कि मिनिमम हमारे पास कितना नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज का जैसे कि मैंने यहां पे आप देखें ना आपको यह पता होना चाहिए अगर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज की हम बात कर रहे हैं तो आपको यह तो पता होना चाहिए कि डुवेल्थ टाइम क्या होता है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और डुवेल टाइम का नहीं पता तो इसका मतलब है आपके पास डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है इसी तरह अगर आप फर्ज करें आ, आयल एक्सप्लोरेशन पर काम कर रहे हैं और आयल एक्सप्लोरेशन के लिए आपने डाटा एनालिसिस करना है जो जियो स्पेशल डाटा एनालिसिस होता है अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो अगर आपके पास आयल एक्सप्लोरेशन का जो बुनियादी नॉलेज है कि किस जगह पे आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं होगी टू डू राइट इंटरप्रिटेशन एंड पार्ट आपके पास, right uh, पास बुनियादी नॉलेज जरूर होना चाहिए प्रोग्रामिंग स्किल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जितनी आपको जरूरत होगी हम इस कोर्स के अंदर आपको सिखा देंगे बुनियादी स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स जितना चाहिए होगा ये भी आपको हम सिखा देंगे इस कोर्स के अंदर मतलब जितना मैं समझता हूं मेरे ख्याल में आपको आना चाहिए उतना हम आपको इस कोर्स के अंदर जरूर बताएंगे वैसे आपको बता देता हूं कि आप में से अगर किसी बंदे ने स्टूडेंट ने एफएससी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिस्टिक नहीं पढ़ी हुई तो जो एफएससी की स्टैटिस्टिक्स मार्केट में मिलती है ना जनरल साइंस की जो स्टैटिस्टिक्स है का जो कोर्स है एफ पार्ट वन पार्ट टू का वो अगर आप ले लें तो उसके अंदर मेरे यहाँ दो या तीन चैप्टर हैं एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है और एक जो है वो आपको ऑफ आप सेंट्रल टेंडेंसी और इस तरह की कुछ चीजें हैं वो आपको जो है वो आपको जरूर आनी चाहिए जैसे मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है इसका आपकी जो न्यूमेरिकल स्किल्स हैं वो स्टेटिस्टिक्स की ग्रेड ट्वेल्व के बराबर होनी चाहिए सारी नहीं होनी चाहिए मतलब आपको अगर आप ग्रेड ट्वेल्व की बुक उठाए ना स्टैटिस्टिक्स की तो आपको मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये मेरे हाल में दूसरा चैप्टर होगा और फिर आपको सेकंड ईयर की प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर होगा वो आना चाहिए। आपको ये और बेस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए ये चार चीजें अगर आपको आती हैं तो ये इनफ है आपको डाटा साइंस के अंदर स्टार्ट करने के लिए यानी ये इतनी इनफ है कि आपको न्यूरल नेटवर्क बनाना आ जाएगा यानी न्यूरल नेटवर्क इन चीजों के बेस थ्योरम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इनके अराउंड वो आपका यहां से वो स्टार्ट होता है या इसी तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो आपके फंक्शंस होते हैं ट्रिगर फंक्शंस होते हैं इस साइंस के अंदर हम यूज करते हैं वो सारे के सारे इस पूरे प्रोसेस के इन चीजों के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं कुछ चीजें हम आपको बताएंगे लेकिन अगर आप इसको पहले आती हैं या आपने पहले की हुई है दिस इज मोर देन अफ फॉर यू टू गेट स्टार्ट इन दिस कोर्स इसके अलावा एक और चीज ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स को देखेंगे तो आपको मैट्रिक्स का जरूर पता होना चाहिए यह आपने मैट्रिक में भी पढ़े होंगे एफ में भी पढ़े होंगे अगर आपको नहीं आता तो आप काइंडली अपने मैट्रिक है उनको रिवाइज करें डाटा साइंस में ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं एडवांस बेसिक कहीं भी, भी करेंगे मैट्रिक आपके हमेशा सामने आएंगे ये आपको आने चाहिए एक और चीज जो बहुत ज्यादा डाटा साइंस में यूज होती है वो है आपकी डिफ्रेंसीेशन ये आपने एफ में पढ़ी होगी मुझे नहीं पता आजकल ये पार्ट वन में होती है या पार्ट टू में होती है लेकिन या ग्यारहवीं या बारहवीं क्लास में होती है ये आपको जरूर आनी चाहिए पार्शियल मोस्ट आपने नहीं पढ़े होंगे सात तो ये ये और आठ ये टोटल सात आठ टॉपिक्स हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है अगर आपको ये अच्छी तरह से आते हैं तो आपकी न्यूमेरिकल स्किल्स मोर देनफ है डाटा साइंस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए पार्टिकुलरली अगर आपको प्रॉबेबिलिटी ये ये तीन चीजें आती हैं तो और ये डिफ्रेंसिएशन अगर आपको आती है ये हम डायरेक्टली इतनी ज्यादा यूज नहीं करेंगे लेकिन जब आप न्यूरल नेटवर्क डिजाइन कर रहे होंगे किसी जगह पर आपने डेरिवेटिव लेना है फिल्टरिंग डिजाइन कर कार फिल्टर डिजाइन कर रहे होते हैं सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं तो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो मैं उसमें आपको डिफ्रेंसिएशन का हवाला दे रहा तो मैं वहां पर ये समझता हूँ समझ रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंसिएशन का पता है तो ये जो जो लोग मेडिकल के बैकग्राउंड से आए हैं उनके लिए शायद ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाए लेकिन अगर नहीं आती तो फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा हम लोग करेंगे इससे आपने ज्यादा परेशान नहीं होता ज्यादा जरूरी जो है ये 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 पहली वाली 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 तीन चार चीजें हैं ये वाली जो स्टैटिस्टिक्स है ये बहुत है बहुत ज्यादा जरूरी आपको शायद यूट्यूब भी मिल जाए देखने के लिए आ, बट फॉर नाउ हम इसको अभी यहीं पर रखते हैं कि आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए अच्छा कंप्यूटेशनल स्किल्स में आपको कंप्यूटर का पता होना चाहिए आपको विंडोज इस्तेमाल करनी आनी चाहिए Uh, इस कोर्स में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कम से कम विंडोज इस्तेमाल करनी आनी चाहिए हम जितना भी काम करेंगे वो विंडोज के ऊपर करेंगे uh, हम लिनक्स और बैश वगैरह अच्छा अगर आपको लिनक्स यूनिक्स यूनिक्स या मैक के ऊपर वगैरह आती है करने के लिए तो दिस इज बेस्ट आप उसके ऊपर करें और अगर आपको नहीं आती है सिर्फ विंडोज आती है तो आप बेशक विंडोज के ऊपर रहे अगर आपको बैश और शेल स्क्रिप्टिंग आती है करने की लिनक्स के ऊपर या बैच फाइल्स बनानी आती है विंडोज के ऊपर दिस इज आसम आपको ये आती है तो वंडरफुल है आपके लिए इस डाटा साइंस की डोमेन में मैं इस कोर्स की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा मैं ओवरऑल डाटा साइंस की बात कर रहा हूं अच्छा आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको पाइथन आती है मैटलैब आती है जूलिया लैंग्वेज आती है या आर लैंग्वेज आती है इनमें से चारों में से कोई सी भी आती है दिस इज मोर देन एनाफ मार्केट में जो ज्यादातर यूज हो रही है वो आपको पाइथन मिलेगी उसके बाद आर मिलेगी ये दो बड़ी लैंग्वेजेस हैं। और जूलिया जो है ये और ज्यादा यूज होती है मैटलैब आज से दस साल पहले काफी ज्यादा यूज होती थी अब कम होती है तो इनमें से कुछ भी आपको आती है एक लैंग्वेज आनी चाहिए हमारे इस कोर्स में हम आपको सिर्फ पाइथन सिखाएंगे बाकी नहीं सिखाएंगे क्योंकि बाकियों के लिए मैटलैब तो पेड है दूसरी तो आपको फ्री मिल जाती है लेकिन पाइथन जो है वो इजिली अवेलेबल है और उसका मार्केट में स्कोप भी ज्यादा तो इस वजह से हम आपको पाइथन सिखाएंगे और पाइथन के अंदर भी हम आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग सिखाएंगे फंक्शनल प्रोग्राम से आपने फंक्शन लिखने हैं ठीक है सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूं आपने कोई फंक्शन लिखा है उसका काम यह है है कि उसने जो है वो, जो वो गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज या पहला पेज आपको नजर आ रहा है इसका सर्च वॉल्यूम कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम निकालना और आपकी ट्रैफिक कैलकुलेट करनी है फर्ज करें तो ये एक फंक्शन है हमारा तो इस तरह के फंक्शंस आपको लिखने आने चाहिए या आपको हम कम से कम इस कोर्स के अंदर सिखाएंगे भी फिर एक और चीज आपको पता होना चाहिए आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम का पता होना चाहिए उसमें ज्यादा मशहूर जो है वो गिट है आजकल ये गिट भी हम आपको इस कोर्स के अंदर सिखाएंगे ये मैंने मिनिमम लिखा, लिखा हुआ है ये मिनिमम लिखा हुआ है डाटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो ये भी आपको सिखाएंगे आपने कोड को कैसे मैनेज करना है छोटे डाटा को कैसे मैनेज करना है कॉन्टेंट को कैसे मैनेज करना है मेरी जो जितनी भी वेबसाइट है जो कुछ भी सारा का सारा मैं काम करता हूँ वो सारा का सारा गिट के ऊपर चल रहा है इस सिस्टम के ऊपर चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत पावरफुल और फ्री में अवेलेबल है जब फ्री में अवेलेबल है तो क्यों ना यूज करें इसको हम

अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड इसको जो है ना आप कोशिश करें आप यूट्यूब की वीडियो से कुछ ले लें इंफॉर्मेशन ले लें ले ले अगर आपको मिलती है नहीं मिलती तो कोर्स के दरमियान भी मैं आपको जो है ना इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा वैसे मरियम का जो कोर्स है ओरिजिनल कोर्स है डाटा मार्केट डाटा साइंस का सॉरी डिजिटल मार्केटिंग वाला अफिलियट मार्केटिंग वाला अगर आप वो ले रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें जो है किसी हद तक पता होंगी जो होस्टिंग वाला है ये मैंने लेक्चर लिए हैं वो Uh, आपको जो मरियम के यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर होस्टेड है वहां से आपको इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी होगी हमारे पास जो जितना भी डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये सारा डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपके पास मैं अपना पीपीसी का जो मेरे मेरे ब्रांड्स है उनका डाटा शेयर करूंगा फेसबुक से गूगल से और एमेजोन का जो मेरा डाटा है जो मेरी अपनी प्राइवेट लेबल है उसका मैंने कैसे रन किया हम क्या क्या कर रहे थे उसका डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेमरश और ए और मो से भी आपके साथ डाटा शेयर करेंगे हम और गूगल एनालिटिक्स का डाटा मैं अपनी वेबसाइट का आपके साथ शेयर करूंगा एडवर्ड से भी हम देखेंगे कि एडवर्ड से हम डाटा कैसे लेते हैं उसको प्रोसेस कैसे करना है और उसको उसको हमने कंपेन्स में कैसे यूज करना है तो ये और मतलब कम से कम एनालिसिस कैसे करना है उसकी बेस पे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी की क्या होते हैं नीचे नीचे क्या होती है आपको कम अज कम बेसिक आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं की डोमेन स्पेसिफिक जो है डिजिटल मार्केटिंग की ये आपको जो मरियम वाला कोर्स है उसके अंदर मिल जाएंगी सारी की सारी मैं इनको यूज करूंगा मेरी कोशिश होगी कि आप इसको मरियम वाले सेशन के अंदर से देख लें ताकि आपका हमारा भी टाइम बच जाए लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी कहीं पे तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कोई चीज क्या है अच्छा इसके बाद जो है हमारे पास जो बुनियादी एक चीज रह जाती है वो रह जाती है डाटे का एनालाइज करना चार किस्म के जो बुनियादी डाटा के एनालिसिस हैं वो आपको मार्केट में मिलते हैं ये गार्ट गार्टनर जो है आप में से जिन लोगों ने एमबीए वगैरह किया हुआ है अगर या बीबीए किया हुआ है तो वो गार्टनर के नाम से जो है वो जानते होंगे बहुत ज्यादा थ्योरीज और बहुत ज्यादा मॉडल्स जो है ये इन्होंने बनाए हुए हैं मार्केट में इनकी तरफ से आते हैं तो उनमें डाटा के अंदर उन्होंने डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक प्रडिक्टिव और प्रस्पेक्टिव जो है ना ये चार जो है ना किस्म के एनालिटिक्स जो है वो बताए हुए हैं ठीक है ये आप को बताने का मकसद ये है कि डिस्क्रिप्टिव में यह नॉर्मली जो आम डाटा एनालिस्ट आपको मार्केट के अंदर मिलता है या जो आपको मार्केट में पाकिस्तानी मार्केट में जितने कोर्सेज को मैंने देखा है उसमें आपको ज्यादातर वो डिस्क्रिप्टिव के ऊपर रखते हैं थोड़ा सा डायग्नोस्टिक बताते हैं या थोड़ा सा प्रोडिक्टिव बनाते हैं और बात खत्म हो जाती है डिस्क्रिप्टिव से मुराद यह है कि आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आने चाहिए यानी डिस्क्राइब करना आना चाहिए कि जो आपका डाटा है इसकी एवरेज वैल्यू क्या है ठीक है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका क्लिक थ्रू रेट क्या है आपकी YouTube की वीडियो आपने अपलोड किया उसका सी थ्रू रेट क्या है या आपकी सेल्स कितने चैनल से आ रही है एवरेज सेल क्या है एक चैनल से अगर आप फर्ज करें पे ऊपर भी सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एमेजॉन पे भी कर रहे हैं वालमार्ट पे भी कर रहे हैं तो किस जगह से आपको कितनी कितनी सेल्स आ रही है उनकी एवरेज सेल्स कितनी है आपकी हर महीने की एवरेज सेल्स कितनी है तो जब इस तरह का आप काम कर का रहे होते हैं तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं ये जो है वो आप जो है वो करेंगे एक तरीका ये होगा ये भी हम करेंगे इसके अलावा फ्यूचर के सेशंस में हम करेंगे डायग्नोस्टिक जो है वो बेसिकली बुनियादी फर्क ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव में हम देखते हैं व्हाट एक्चुअली कितना सीटीआर था जो कस्टमर मेरे पास आया उसका सीटीआर कितना था ठीक है लेकिन वाई समथिंग हैपन अगर आपने उसका वाई का जवाब निकालना है कि यह हुआ क्यों है क्यों मेरे पास किसी एक चैनल पे जो है ना सी ज्यादा है या मेरी सेल्स ज्यादा है कहीं उस जगह पे वो ब्लैक फ्राइडे की सेल तो नहीं थी चल रही या कोई और चीज तो नहीं मैंने की हुई तो ये जो का की तरफ जब आप जाते हैं ना तो वहां पे आपको जो है जो है वो ज्यादा डाटा को ड्रिल डाउन करना पड़ता है ठीक है तो वो उसके उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस ठीक है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डायग्नोस्टिक एनालिसिस और तीसरी जो चीज हमारे पास आती है वो आती है प्रोडिक्टिव आपने कोई चीज प्रोडिक्ट करनी होती है जैसे हम प्रोडिक्ट करते हैं कि जी हमारी इस महीने की जो सेल है वो वन मिलियन डॉलर के ऊपर जाएगी या वन हंड्रेड थाउजेंड डॉलर के ऊपर जाएगी आप लोगों में से जिन लोगों ने फर्ज करें सेलर बोर्ड यूज किया हुआ है जो एमेजोन वाली साइट से आ रहे हैं या आ, कोई और किसी किसी किस्म का सेल्स का सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है है तो सेल्स में होती है कि जी इस महीने की हमारी जो है है वो ये कि हम 6000 की सेल करेंगे या 6000 पाउंड की सेल करेंगे या 15000 पाउंड की सेल करेंगे ये जो प्रोडिक्शन हो रही होती है ये प्रोडिक्शन के एल्गोरिदम्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रोडिक्टिव एनालिसिस बोलते हैं मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिग्रेशन के जरिए भी आप कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क के जरिए भी कर सकते हैं आप प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि वट माइट हैपन इन फ्यूचर इस महीने की मेरी सेल ये रही है अगले महीने की क्या होगी अगर मैंने ये दस आर्टिकल मजीद डाले तो मेरी कितनी ज्यादा जो है वो मैं प्रोडिक्ट करना चाह रहा हूं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर एंगेजमेंट कितनी बढ़ेगी ठीक है तो ये जो है वो हमारे प्रोडिक्टिव होते हैं वैसे बाई दी वे जो आपका जो ए के जो मॉडल होते हैं इनमें भी हम प्रोडिक्ट कर रहे होते हैं जो आपने पीछे लिखा होता है उसकी बुनियाद पे जैसे चैट जीपीटी भी कर रहा होता है उसी बुनियाद पे आपका अगला जो कंटेंट आ रहा होता है वो प्रोडिक्ट किया जा रहा होता है वो आपको शो किया जा रहा होता है ये कैसे काम करता है जब हम न्यूरल नेटवर्क को देखेंगे ना तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि चैट जीपीटी बेसिकली काम कैसे कर रही होती है बट ये आते हैं हमारे प्रोडिक्टिव के अंदर आते हैं प्रोडिक्टिव जो हमारा एनालिटिक्स होते हैं उसके अंदर आते हैं इसलिए इसी तरह हमारे पास एक चौथी कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं तो वट शुड बी डू वट एक्शन आर रिक्वायर्ड तो कोई ऐसा एनालिसिस आप कर रहे हैं जो आपको यह बताएगा कि आपको कौन से एक्शन लेने हैं

वक्त पे वो ज्यादा मेरी प्रोडक्ट सेल होती है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो वाली प्रोडक्ट वो इन्फॉर्मेशन वो एनालिसिस हम कैसे करेंगे उसके जो टूल्स होंगे मतलब हम सिमुलेशन वगैरह करते हैं सिस्टम को ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ठीक है वो जो हम काम करते हैं ये सारे का सारा हमारा आता है परस्पेक्टिव के अंदर आता है तो वट एक्शन शुड बी टेक वट वाई हो वट अगेन तो ये चार कैटेगरीज ये आपके पास आती हैं इसको जो है आप ये वाली जो इमेज है ये आप इस लिंक से भी जाके क्लिक करके जो है ना इसको देख सकते हैं और हमारे इस कोर्स में जो मैंने आपको डाटा सोर्सेज ऑलरेडी थोड़े से पहले भी एक्सप्लेन किए हैं वो मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूँ हमारा लेक्चर आज काफी लंबा हो रहा है ऑलरेडी वो ये है कि आपको जो हम डाटा देंगे या डाटा आपके साथ पूरे का पूरा एक्सप्लेन करेंगे शेयर करेंगे ये डाटा के फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा वो गूगल का डाटा मिलेगा सर्च कंसोल का डाटा देंगे बिंग से भी कोशिश करेंगे बिंग का डाटा इस वक्त मेरे पास है नहीं है लेकिन कोशिश करूंगा अगर मुझे कहीं से मिल जाए अदरवाइज आपको सर्च कंसोल का डाटा जो है वो जरूर मिलेगा आ, लाइव वेबसाइट का डाटा दूंगा आपको जो मेरी अपनी लाइव वेबसाइट्स हैं इसी तरह एडवर्टाइजमेंट का डाटा जो है वो भी आपको मिलेगा एडवर्ड्स का डाटा पीपीसी कैंपेंस जो हैं हम गूगल की अमेजोन की वो भी मिलेगा इन की PPC जो हम चलाते हैं तो उसका भी मिलेगा शॉपिंग का मैं देखता हूँ मुझे कहीं से मिल जाए क्योंकि मैं अपना Shopify का, अपना का स्टोर जो है वो रन नहीं करता तो इस वजह से इसका डाटा मेरे पास डायरेक्टली नहीं है लेकिन अगर आपके पास डाटा है तो आप उसका भी एडवर्टीजमेंट का डाटा यूज कर सकते हैं लेकिन ये तीन डाटे आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कन्वर्जेंस का डाटा अगर आपको मिल रहा है कि आपके पास फर्ज करें अमेजोन का कोई स्टोर था या कोई किसी किस्म का भी स्टोर था आपने एनालिटिक्स का जो गूगल एनालिटिक्स था उसके ऊपर कोई टैग्स लगाए हुए थे कन्वर्जन के लिए तो वो वाला जो डाटा है वो आपको यहाँ पे आपके पास वो भी होना चाहिए तो उससे आप कन्वर्जन को काफी अच्छे तरीके से कस्टमर के बिहेवियर को समझ सकते हैं वो डाटा भी आपको मिलेगा कंप्यूटर का डाटा आप सैमराज से, से और ए एच से हम लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे और कंप्यूटूटर की वेबसाइट से भी आप जो है वो डाटा ले सकते हैं तो ये मतलब डाटा के कुछ सोर्सेज हैं जो कि आपके साथ शेयर किए जाएंगे ओवरऑल uh, मैंने थ्योरी आपको आज की तारीख में ये बताने की कोशिश की है कि ये कोर्स बेसिकली है क्या इस कोर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इस कोर्स के एंड पे आपके साथ क्या होगा और डाटा क्या कौन सा होगा डाटा होता क्या है डाटा की किस्में क्या होती हैं और uh, uh, जो है हमारे पास डाटा की डिमेंशन क्या, तो क्या है तो मैंने एक ओवरऑल होलिस्टिक सा ओवरव्यू देने की कोशिश की है आपको ठीक है कुछ चीज़ें मैंने डेटा साइंस की आपके साथ ये जैसे ये बुक है ये शेयर किया है इसको भी आप देख सकते हैं तो इस तरह करके आपको बताने का मकसद ये है कि आप एक दफ़ा आपको ये पता चल जाए कि आप खड़े कहां पे हैं और उसके इर्द गिर्द चीजें क्या है वहां से फिर आप अपना जर्नी जो है वो प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं तो ये आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूं यानी जो लेक्चर हैं इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चले जाएंगे इसके अलावा जो एक और चीज आपको बतानी थी वो ये है कि जब हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे तो वहां पे फिर हम जो है डायरेक्टली अब हम करेंगे पाइथॉन के ऊपर जाएंगे तो हम पाइथॉन को इंस्टॉल करेंगे पाइथन को यूज आपने कैसे करना है ये सारी की सारी चीजें जो है हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ये अगले दो तीन सेशन के बाद जो है ना आपको बेसिक पाइथॉन जो है वो इस्तेमाल करनी इंस्टॉल करनी इस्तेमाल करनी उसका जो बेसिक यूजेज है वो सारे का सारा आ जाएगा और ये रिकॉर्डेड सेशन है आपको रिकॉर्डिंग भी इनकी मिल जाएगी ताकि अगर किसी जगह पर कोई मिस आपको कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप रिवाइंड करके उसको देख भी सके तो ये था हमारा आज का सेशन था आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का भी डाटा साइंस से रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड कुछ भी है तो आप जरूर पूछें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन जिनके क्वेश्चन है, वो हैंड रेस कर दें आप टाइप ना करें आप बेशक हैंड रेस करके और लाइव आ जाए बात कर लेते हैं जी डिजिटल नमान आपका क्या क्वेश्चन है असलाकुम सर ये जो आप लिंक शेयर कर रहे हैं ये हमें कहा मिलेंगे जो आप बुक वगैरह का बता रहे हैं आप जाए ना इधर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आप जाए इधर ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है आप मेरी इस ये गिट हाँ के पेज पे जाए ना और वहाँ पे जाके आप ये इंट्रोडक्शन वाली ज़ीरो वन इंट्रोडक्शन वाली फाइल को ओपन करें तो यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा okay. ये वाला लिंक है इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास ये रिसर्च गेट की एक वेबसाइट खुल जाएगी यहाँ पे आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी ये थैंक यू सो मच सर जी जी ये पूरी बुक डाउनलोड हो okay. जाएगी वेलकम ओके सर जी प्रकाश आप जी प्रकाश प्रकाश का हम दीप वाले जी हेलो असलकम जी वाले जी आप मुझे ये बताएं कि मैं क्या रोड में फॉलो करूं तो इस कोर्स के एंड तक मैं जो आप समझा रहे हैं पूरा सीख पाऊंगा ये मेरा सवाल था आप बस आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपको आज के कोर्स में बताई हैं आपने बेसिकली कोशिश करना कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल हों आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए और बेसिक स्टैटिस्टिक्स के जो हमारे फार्मूले हैं या उनकी जो साइंस है वो पता होना चाहिए कुछ मैं भी बता दूंगा कुछ आपको पता होना चाहिए और जो मैंने टूल्स जो मैंने लेआउट बनाया है उसका हमारा जो है टेबल ऑफ कॉन्टेंट है उसको जो मैंने बताया आप बेसिकली सिर्फ उसको फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो इनशाला एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको डाटा साइंस की और डाटा साइंस का जितना भी इसका ओ, एक ओ, होलिस्टिक थी दो से तीन माह में जितना भी कोर्स हो सकता है वो आपको कवर हो जाएगा मेरा ख्याल है एडिशनल आपको कोई रोड मैप की जरूरत नहीं है जैसे जैसे आपको कोर्स में हम लेक्चर करवाते जाएंगे बस आप उसको फॉलो करते जाएं आप एग्जाम्पल जितनी भी आपको बताएंगे वो आप अपने तौर उसको रन करें कोशिश करें सिर्फ एग्जीक्यूट ना करें कोड को या एग्जाम्पल को ना रन करें उसकी साइंस को समझने की कोशिश करें दैट्स द देट्स आप डेटा साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं ये साइंस है बेसिकली तो आपको साइंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये भाई ऐसा क्यों है

अगर मैंने किसी जगह स्टैंडर्ड एवियशन का लफ्ज यूज किया तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये भाई इधर स्टैंडर्ड एविएशन सर ने क्यों निकाली है ये क्यों कैलकुलेट की है ये तो ये जो क्यों का चीज है ना ये आपके अंदर होनी चाहिए सिर्फ एक ही रोड मैप है इसका कि आपको क्यों का पता होना चाहिए आप हमेशा पूछें भाई ऐसा क्यों हो रहा है आखिर क्यों वो जो है ना वो आपने करना है जितना ज्यादा आप क्यों करेंगे आपको ज्यादा क्वेश्चन आएंगे जब ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको आंसर नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेंगे ठीक है या गूगल से पूछ लेंगे कैसे भी होगा आपको आपके क्वेश्चन के आंसर आएंगे तो आप जब किसी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं डाटा साइंस की तो आपको आंसर देने में आसानी होगी लेकिन ऐसा कोई जनरल रोड मैप नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी है पॉइंट्स आपने अभी सिर्फ इन्हीं को फॉलो करना है इसके अलावा जो कुछ यूनिवर्सिटीज होती है वो अपना रोड मैप देती है आपको जैसे कि हमारे यहाँ पे जर्मनी में हम यूनिवर्सिटी ऑफ जो है है वो देती है आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तो वो आपको पूरा एमएससी करवाती है उसके अंदर दो साल का ठीक है एम वाले भी आपको दो साल की पूरी एमएससी करवाते हैं डाटा साइंस के अंदर तो उनका रोड मैप टोटली डिफरेंट है उनके पास दो साल का टाइम होता है हमारे पास तो दो तीन माह का टाइम है तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम इसके अंदर सारी की सारी चीजें सिर्फ वो पैक करें सिर्फ वो चीजें डालें जो बुनियादी तौर पे आपकी मिनिमम जरूरत है डाटा साइंस में स्टार्ट होने के लिए ठीक है आपको आपसे कोई बात करे एल्गोरिदम की तो आपको एल्गोरिदम का पता हो और आप उसको जवाब दे सकें कि ये एल्गोरिदम ऐसे काम करता है

सर थोड़ा सा इशू है इसमें थोड़ा सा मतलब हो जाए अगर आप बता दें मतलब जो हम एक्सरसाइज वगैरह कर लें नेक्स्ट वीक तक तो थोड़ा सा क्लियर हो जाइए अच्छा अभी ये है कि हम मैथ और स्टैट को एस सच इतना अभी जो है वो आ, आ, नेक्स्ट तीन या चार सेशन में मैथ और स्टैट इतनी ज्यादा आएगी नहीं ठीक है ये उसके बाद आएगी आपके पास और आ, एक चीज तो ये है दूसरी ये है कि मैं कोशिश करूंगा जब आपको पाइथॉन की प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज दे रहा हूँ

तो ये हो जाएगा इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके अगर आपकी मैथमेटिक्स या इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उसकी वजह यह है कि हर बंदा हर चीज में परफेक्ट नहीं होता कोई किसी बंदे की कोई स्पेशलिटी होती है और किसी दूसरे बंदे की कोई स्पेशलिटी होती है तो मे भी आपके लिए डाटा साइंस बिल्कुल भी ना हो आप एक आ, जस्ट ऐसे ही है, किसी फील्ड के डाटा साइंस को एक्सप्लोर करें आपको एंड पे पता चले कि ये आपके लिए नहीं है तो परेशान नहीं होना उससे हर चीज हर बंदे के लिए नहीं होती और रहेगी बात मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक की तो वो हम आपको कोशिश करूंगा कि मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूं अगर आप में से कोई बंदा अच्छा डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता है और उसने ये चीजें नहीं पढ़ी हुई ये मैं रिपीट कर रहा हूँ नहीं पढ़ी हुई तो एफ की जो स्टैटिस्टिक्स है उसको रिवाइज कर लें यू डोंट नीड मोर देन दैट जितनी आपको उसके अंदर बढ़ाई जाती है उसके कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें और उसके बाद आपको उसी की वो बेस है बेसिकली

आपका डाटा साइंस में जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ होगा मेरे से इस कोर्स के बाद आप आगे भी जब पढ़ेंगे तो यही चीजें बार बार आपके सामने आएंगी इसके बाहर नहीं जाता ये कोर्स में बता दिया ये इसी के अंदर ही सारा सारा कुछ रहेगा इससे ज्यादा बाहर कोई जाएगा नहीं ठीक है सर जी ज्यादा मैथ यूज होती है स्टैट मतलब इसमें अच्छा मैं आपको वैसे बताऊं दोनों ज्यादा यूज होती हैं लेकिन जब आपका वास्ता रिप्रेजेंटेशन पे या आम बंदे का जब वास्ता उससे है है तो ज्यादा से पड़ता है। आप लोगों का मैथ के साथ ऑलमोस्ट ना होने के बराबर वास्ता पड़ेगा बहुत थोड़ा वास्ता पड़ेगा ज्यादा स्टैट जो है वो यूज होगी मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ जैसे हम ना यूज करते हैं ना जैसे आ, स्पेस एक्स का मिशन या मून की लैंडिंग का मिशन आपने अगर देखा हो तो उसके ऊपर जो जो लैंडिंग हो रही थी उसके पीछे जो फिल्टर्स लगे हुए थे वो डाटा के फिल्टर्स फिल्टर, फिल्टर यूज़ करते उनको लेकिन थे। अब वो जो फिल्टर है वो आपको मैथमेटिक्स के बगैर कभी भी समझ नहीं आएंगे तो हम अब स्टूडेंट्स को बताते हुए ये कहते हैं कि ये फिल्टर ऐसे काम करते हैं इसके अंदर हम ये ये करते हैं उसको हम मैथमेटिक्स में लेके नहीं जाते हम उसको स्टैटिस्टिक्स और डाटा के ऊपर रखते हैं और हम उस तरह की मैथमेटिक्स की जो डिटेल्स होती हैं वो ओमिट कर देते हैं उसको नहीं बताते तो आपको स्टैटिस्टिक्स के लिए जो बेसिक है उसके लिए रेडी रहना चाहिए लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको नंबर से हो मतलब थोड़ा सा डर आता है या आपके लिए ये नहीं है तो शायद ये कोर्स भी फिर आपके लिए नहीं होगा आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन जी सर सर ये जो स्टैट का आप कह रहे हैं मतलब ये, ये ये जो मैथ की बुक में है ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथ की बुक में नहीं ये जो आपकी पाकिस्तान में अगर तो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो जन... जी, जी, जन... किस, किस जगह से आप पंजाब से हूँ आप जो उकाड़ा है आपका शायद मोस्ट प्रोबेबली फैसलाबाद बोर्ड लगता होगा या आपका अपना बोर्ड होगा उनकी जोवाल बोर्ड लगता है ना

बल्कि मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप इतना ज्यादा इसका तरद करेंगे तो आप उसकी दोनों किताबें ले लें और दोनों किताबों को आप पढ़ लें यानी आपको उसका बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए एफ की जो पहले दो चैप्टर है ना वो तो लाजमी आने चाहिए सेंट्रल टेडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ये दोनों आपको जरूर आने चाहिए और फिर प्रॉबेबिलिटी का एक चैप्टर होता है वो आपको ये जरूर आना चाहिए इसके अलावा रिग्रेशन का भी एक चैप्टर होता है वो आगे उसके अंदर है Uh, मुझे अब याद नहीं है ये फर्स्ट ईयर में है या ये सेकंड ईयर में है तो ये जितने भी एल्गोरिदम आपको पढ़ाएंगे ना आपके वो सारे के सारे कहीं ना कहीं वहीं से आ रहे हैं एफ वाली किताबों से ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये आप वहीं से रहे हैं क्योंकि मैं तो इनको यूज करता हूँ और मैंने ये खुद भी पढ़ी हुई है तो इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपको वो दो ये वाली बुक आ गई ना एफ वाली तो आपको किसी भी जगह पे कोई बंदा एलगोरिदम का नाम लेगा तो वो आपको आप रिलेट कर लेंगे कि यार अच्छा ये तो एफएससी वाली बुक के अंदर फलां चैप्टर के अंदर हमने इसकी बेस तो हमने वहां पे पढ़ी थी तो आपको कहीं ना कहीं रिलेट करने का मौका मिलेगा और वो अगर आपकी FSC के अच्छे तो आपको आगे नहीं इसके लिए अगले दो तीन माह भी आप लगा रहे हैं तो दो तीन माह में उन बुक्स को साथ में कर जाए तो आप डाटा साइंस की फील्ड में कामयाब है आपको फिर कोई पीछे बंदा रोक नहीं सकता लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ उनको करें बाकी साहब के लिए भी सिर्फ आपके लिए नहीं बाकी साहब के लिए, लिए जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं अगर आप एफ एस सी की स्टेटिस्टिक्स कर सकते हैं तो आपकी समझ लें कि आधी जो सेवन आपका काम हो गया डाटा साइंस का इससे ज्यादा नहीं है मतलब ऑफ कोर्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस है बहुत ज्यादा टेस्ट हैं जो हम नॉर्मली बी एस सी स्टैटिस्टिक्स वालों को पढ़ाते हैं या डाटा साइंस के स्टूडेंट्स को प्रॉपर यूनिवर्सिटी के अंदर हम पढ़ाते हैं लेकिन वो एडवांस कॉन्सेप्ट है उनकी बेस वो ही एफ एस सी से आ रही है बेस चेंज नहीं हो रही तो आप उनको करें आप बाकी स्टूडेंट्स भी जिन्होंने नहीं पढ़ी वो जरूर पढ़ें या अगर उन्होंने पढ़ी हुई और कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है वो उसको रिवाइज जरूर कर लें रह गई बात प्रोग्रामिंग वाला जो काम है वो जो है वो हम आपको वो मेरे जो नेक्स्ट सेशन अब आ रहे हैं उनके अंदर बिस्ट टिल एंड वो आपको मिलेगी प्रोग्रामिंग ही ज्यादातर मिलेंगे कोड वगैरह मिलेंगे आपको तो वो आपका क्लियर हो जाएगा रह गई बात डिजिटल मार्केटिंग की तो वो आप मरियम का कोर्स अगर ले रहे हैं या आपने वो देखा है तो उसके अंदर भी आपको काफी चीजें मिल जाएंगी तो इस तरह करके आपका ये पूरा का पूरा जो है ना इसी इको के अंदर बैठे, बैठे बैठे आपको डाटा साइंस डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा जो है वो नॉलेज मिल जाएगा ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं पूरे पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल का कोई बंदा डाटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग इकट्ठी पढ़ा रहा होगा पाकिस्तान में शायद उस्मानी साहब पढ़ा रहे हो या अगर उन्होंने रखा भी हो लेकिन मुझे कहीं पे वो कोई फ्री कोर्स वगैरह उनका नजर नहीं आया तो उनका भी काम जो है वो माशाला बहुत अच्छा है अः लेकिन यह है कि मुझे पाकिस्तान में कहीं पे ऐसा नजर नहीं आ रहा तो आप अगर डिजिटल में का बंदा तो कोई नहीं होगा अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देख रहे हैं क्योंकि आप वाहिद बंद है जो या जिसको जिसने पूरी डिटेल में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग डाटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ी हुई डेटा साइंस डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी हुई है या उसकी एग्जाम्पल्स की हुई हैं बाकी जो बच्चे हैं अगर आपको डाटा एनालिसिस का आएगा तो उसने जो है वो जनरल डाटा एनालिसिस पढ़ी होगी या ग्राफ्स वगैरह बनाने पड़े होंगे सीखे होंगे इन डेप्थ नॉलेज और इन रियल टाइम डाटा नहीं होगा उनके पास तो ये आपको एक एडवांटेज होगा डाटा का भी और बाकी स्किल्स का भी जो इस हमारे जो इकोसिस्टम पे आ रहा है इसका स्पेशल थैंकफुल टो जो है वो कामरान भाई को है उन्होंने ये चीजें ऑर्गेनाइज की हुई हैं तो इनशाला आई होप के आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको पूरा का पूरा जो नॉलेज मैं दे सकता हूँ वो दू और आप अपने कैरियर में मजीद एक्सेल करें फिर आप ये देखें कि अगर आप ऑलरेडी मार्केट में जॉब कर रहे हैं फ्री लांसिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप डाटा साइंस को कैसे जो है वो लेके आ सकते हैं इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि जब आप एग्जिस्टिंग इको सिस्टम में इसको लगाएंगे तो आपको सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा वो ये होगा कि आप ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं डाटा को अप्लाई कर रहे हैं और आप लाइव रिजल्ट जो है वो निकाल रहे होंगे उससे तो आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बढ़ेगा और आपके पास डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज भी होगा जहां पे आप अभी करंटली बैठे जॉब कर रहे हैं तो इस वजह से आप डाटा कर सकते हैं या अगर आपके पास किसी और फील्ड का डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है मतलब फर्ज करें आप में से कोई स्टूडेंट है जो कि मेडिकल की फील्ड से आ रहा है तो वो मेडिकल फील्ड के अंदर इसको अप्लाई करे या कोई बंदा इंजीनियरिंग की फील्ड से मैकेनिकल की फील्ड से आ रहा है तो वहां पे मैकेनिकल में हम डाटा साइंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं ई टेक्निक्स को लेकर बेशक वहां पे अप्लाई कर ले डिजिटल मार्केटिंग की बजाय मैकेनिकल में अप्लाई करके इसको देख ले टेक्निक सेम है लेकिन डाटा जो है वो आपका वो चेंज हो जाएगा आई होप मैंने आपका जो क्वेश्चन है उसको पूरी डिटेल में आंसर कर दिया सर हम इसमें एसक्यूएल पढ़ेंगे आ, नहीं हम इसमें सीक्वल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो डाटा वगैरह वगैरा है वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम फ्लैट डाटा जो फाइल बेस्ड है सिर्फ उन उनपे काम करेंगे क्योंकि नॉर्मली जो होता है जो आप डाटा काम कर रहे होते हैं उनको डाटा बेसिस की ऐसा इतनी मतलब जरूरत तो होती है लेकिन वो काम जो है वो ज्यादातर डाटा इंजीनियर्स कर रहे होते हैं तो आपको डाटा नॉर्मली प्रिपेयर करके दिया जा रहा होता है तो हमारा जो ज्यादा फोकस होगा वो उसकी साइंस और एनालिसिस पे होगा बजाइए कि हम डाटा प्रिपेसन उसकी सेविंग और हैंडलिंग के ऊपर जाए सर। अच्छा जी चलें जी ये सही हो गया थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स और मैं यहाँ पे आपको ना जो है वो शेयर कर दूंगा जो है हमारे यूट्यूब का जो चैनल है उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा और वहाँ से फिर जो है वो आप होपफुली रिकॉर्डिंग भी मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा जी मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी अपलोड करूँगा तो जिन लोगों को रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं पता चली या लेट आए हैं उनको वो वहाँ से इसको देख सकते हैं जैसे ये जवाब ताहिर ने लिखा है तो रिकॉर्डिंग इनको मिल जाएगी मैं कोशिश करूँगा और अच्छा ये इरफान जो है ना अब वैसी इन्होंने लिखा कि जो प्रॉबिबिलिटी है वो अलेवन्थ क्लास में है चलें अगर तो अलेवन्थ क्लास में है तो फिर आपको सिर्फ अलेवन्थ की ही ले लें ले, ये भी मोर देन एन है वो रिग्रेशन वगैरह जो है ट्वेल्थ क्लास में होंगी तो वो आप अभी ना लें सिर्फ अलेवन्थ वाली को देंगे क्योंकि मुझे लगता है फेडरल बोर्ड में ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है वो ट्वेल्थ क्लास में होती है क्योंकि मैं फेडरल बोर्ड में पढ़ा पढ़ाऊँ तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ना याद पड़ता है कि ये चीज़ें ऊपर नीचे थी सही है अच्छा ये ट्रू वर्ल्ड आपने लिखा है ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली बुक है। अगर तो आपको वहाँ पे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और ये सारी चीजें नजर आ रही हैं तो आप बेशक उसको कर लें ले FSC का मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम एफ की बात करते हैं तो हमारे पास एक बेंच आ जाता है कि यार ये बच्चे जो हैं ये एफ करने आए हैं तो इन्होंने मैटर किया और ये एफ आए सी तो वो उस लेवल का डाटा आपको वहां पर मिलता है नॉलेज मिलता है तो अगर वही चीज आपको जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुक्स में मिल रही है तो बेशक वो कर लें दैट्स मोर देन ऑफ अच्छा राबे आपने पूछा एस की फील्ड में डाटा साइंस का रोल क्या है तो आपको ये बता दो तो जो पूरी की पूरी एस की फील्ड है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाटा साइंस की बेस पे ही खड़ी है जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रही होती हैं कीवर्ड का वॉल्यूम निकाल रही होती हैं कीवर्ड वर्ड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टेक्स्ट तो टे जो एक्सट्रैक्शन हो रही है टेक्स्ट का एनालिसिस हो रहा है ये भी डाटा साइंस है और उसका वॉल्यूम कितना है वो भी डाटा साइंस है इसकी जो रैंकिंग आ रही है गूगल पे वो भी डाटा साइंस है इसकी जो रैंकिंग फ्लक्चुएट कर रही है वो भी डाटा साइंस है तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो डाटा साइंस के डायरेक्टली रिलेट करती हैं जी है अच्छा प्रकाश ने? एक, एक ने लिखा है आई स्टडी स्टैट्स इन सिंध बोर्ड वुड uh, to... आप आप कहीं से, से भी मिले आपको लेना चाहिए प्रॉबिलिटी ले। मिलती है तो दैट्स मोर दे आपकेंड ईयर वाली को ना ले सेकंड ईयर के जो लास्ट वाले चैप्टर है वहां पर शायद रिग्रेशन के कुछ चैप्टर है तो वो वाला नैलस जो है हम प्रोडिक्शन के अंदर हम उसको करेंगे जो हमारे प्रोडिक्शन के एल्गोरिदम जब डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पे हम रिग्रेशन को भी डिस्कस करेंगे तो वो आपको फिर सेकंड ईयर की बुक में मिलेगी रिग्रेशन फायदा ये ओके सब आप ने, ने, फायदा आपको यह है कि आप हाथ से वो काम कर का रहे होंगे जो एफएससी की बुक है वहां पे आप कंप्यूटर पे नहीं करते आप हाथ से कैलकुलेटर के जरिए करते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे क्लियर होते हैं जी जो आपने फिलहाल जो टॉपिक्स होता प्रोबेबिलिटी एंड रिग्रेशन ये सारे सिंबोर्ड में भी है तो वुड यू मैं स्टैट्स की बुक लूं जी जी आप जरूर लें और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती में दो चार सौ पांच सौ के अंदर आपको दोनों नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आई मीन I mean, जो मैं फिलहाल ना वही पढ़ रहा हूँ मतलब सेकंड ईयर में हूँ वो सेम पढ़ा रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना वही टर्म्स पढ़ा है अच्छा, आप, तो मैं एफ एस सी की बुक लेना यही पढ़ रहा हूँ हाँ तो अगर आपको पढ़ा रहे हैं ना तो आपके लिए तो ये वाला जो कोर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं ये तो सोने पर आ गया ना क्योंकि आप तो स्कूल में आप देखें आप, आप इधर बाकी क्लास वेल उसको भी बता सकते हैं कि आप हाथ से बैठ के लाइने खेच के नंबर लिख के उनको कैलकुलेट करते हैं सम करते हैं कैलकुलेटर के जरिए तो वो जो कॉन्सेप्ट nice. होता है वो आप अपने हाथ से कर रहे होते हैं हम उसको कंप्यूटर पे पाइथन के जरिए बैकहेंड पे कर रहे होते हैं जो चैट जीपीटी कर रहा होता है चैट जीपीटी भी बैकहेंड पे यही काम कर रहा होता है जो आप हाथ से कर रहे होते हैं लेकिन वो मैसिव स्केल पे कर रहा है

अच्छा आम में से वो बच्चे जिन्होंने मैथ स्टैट और कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है दे आर आइडियल फॉर साइंस ये वाली जो हम पढ़ा रहे हैं आपको मैथ स्टैट और कंप्यूटर साइंस ये भी एक कंबिनेशन पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है FSC में मैं इसको FSC के लेवल से लेके इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये वो एफ एस वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट और मूमन कट्ठे होते हैं उसके बाद जो है वो डिवर्जन ज्यादा बढ़ती है हमारे यहाँ मतलब फिर यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा जो है वो डिवर्जन आती है लेकिन बुनियादी जो लेवल होता है एफ एस वो तकरीबन पूरे पंजाब में पूरे सिंध में एक होगा

जी जी सर अच्छा जो कीवर्ड की जो डिफिकल्टी होती है वो मोज आपको कुछ और दिखाएगा और सेमराश कुछ और दिखाएगा मेरा आपको मशवरा होगा कि सिर्फ आप एक को लें और उसी के साथ स्टिक करें जो भी ले लें मतलब मैं आपको बताऊं मैं पर्सनली जो है अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं यूज करता हूं सेमराज को यूज करता हूं उसकी वजह यह कि सेमराज के पास सबसे ज्यादा डाटा होता है इन तीनों में से और ये निकाली कैसे जाती है ये बैक एंड पे फॉर्मूला ये हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे इसको कैलकुलेट भी करेंगे की वर्ड डिफिकल्टी को ठीक है लेकिन वो कैसे होती है वो क्यों उनकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं ये एक अलग स्टोरी है आप सिर्फ एक ले लें और सेमराश की अगर ले सकते हैं तो वो ले लें वो वैसे भी पाकिस्तान में इजिली अवेलेबल है सैमराश ना ए के मुकाबले में तो उसको लेके आप काम करें अगर आप एडवर्ड्स के ऊपर की की डिफिकल्टी वगैरह देख रहे होते हैं तो वो वहां पर कीवर्ड की डिफिकल्टी नहीं होती वहां पर वो ग्रोथ बता रहा होता है

और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने सैमराज के साथ करना तो फिर सैमराज के साथ नहीं एक कह रहे हैं सिर्फ आप मरिया राबिया जो आपने लिखा है ना सैमराज के डाटा सैमराज ये सारे के सारे पार्शियल डाटा होते हैं कोई भी डाटा कंप्लीट नहीं होता तो आपका जो सेमरस का डाटा है इसके पास की ज्यादा आते हैं आपके आप कोई भी वेबसाइट ले लें ले दो वेबसाइट से तो वो जो की वर्ड है एक वेबसाइट का ए एच रेफ जो है वो बता रहा होगा कि 300 सौ की वर्ड के ऊपर रैंक है जबकि सैमरस आपको उसी वेबसाइट के साढ़े चार सौ की वर्ड बता रहा होगा या साढ़े चार हजार या साढ़े चार लाख बता रहा होगा तो इनका जो एल्गोरिदम है इनके पास जो डाटा बेस है वो बड़ा है कम अज कम मेरा एक्सपीरियंस तो ये बताता है कि सैमरस जो है वो ज्यादा बड़ा है और वो उसके रिजल्ट कंपेरिटिवली जो है वो बेटर होते हैं मेरे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वैसे इनकी जरूरत नहीं होती टूल्स की आप सिर्फ एडवर्ड्स को यूज कर लेना जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते स्टूडेंट उनको चाहिए कि वो हाली को भी अगर वो वो ले लेना फ्रीली मिल जाता है एड्स तो उसमें तो मसला नहीं है वो अकाउंट बनाए और उसको आप यूज करें और वो उसके जरिए भी आप की वर्ड रिसर्च बड़ी अच्छी कर सकते हैं हाँ कंप्यूटर का एनालिसिस उतना अच्छा नहीं होता जितना आपको या दे देते हैं लेकिन दैट्स इट वर्क्स आपको एक टूल uh, ले लें उसको इस्तेमाल करें और ये नहीं है कि आपने आपने हर वक्त उसकी सब्सक्रिप्शन रखनी है आप ले लें एनालिसिस करें और उसके बाद उसको ना रीन्यू करवाएं और बाकी आप दूसरे टूल से जो है उसको देखें जी जी आप रबिया मैं कीवर्ड प्लानर की बात कर रहा हूँ उसको एक्सप्लोर करें ना आप कीवर्ड प्लानर प्लानर जाके दें देने कंप्यूटेटर की वेबसाइट का एड्रेस निकाल के देगा आपको सारे कीवर्ड्स उसके और फिर वहां से आप उसको सॉर्ट कर लें उसके वॉल्यूम के ऊपर सॉर्ट कर लें उसकी जो है ग्रोथ के ऊपर सॉर्ट कर लें क्वार्टरली ग्रोथ पे सॉर्ट कर लें तो आपके पास फिर वो काफी ज्यादा डाटा जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ठीक है अच्छा जी ये भी हो गया कोई और क्वेश्चन है किसी का यह है कि हम उसके मुताबिक चीजें जो है लेके चलें। मैं यूट्यूब के लिंक वगैरह कर दूंगा फॉलो करें आज का सेशन ज्यादातर ओवरव्यू था कुछ बच्चों के लिए स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है ये नया हो कुछ के लिए ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हो जो भी होगी आप अपने जरूरत के मुताबिक देखें लेक्चर को रिवाइज करें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप जो है यहाँ पे ना मैंने एक काम ये भी किया है आप जाएंगे ना जब आप गिटहाप का अकाउंट बना लेंगे सर इस, पे, इस पे अच्छा जब आप इसको फोर्क कर रहे होंगे ना तो आप इसको बेशक आप स्टार पे भी क्लिक कर दीजिएगा इससे ये होता है कि की ग्रोथ जो है वो गिट जैसे लाइक का बटन नहीं होता

कम्युनिटी की हेल्प की हेल्प के लिए कुछ भी करना है तो आप यहाँ से जो है उसको कर सकते हैं इसको करें और मैं जैसे आपको, uh, को कहता हूँ चीजों को इस्तेमाल करें ब्रेक करें दोबारा इस्तेमाल करें फिर ब्रेक करें बनाएं ब्रेक करें रे, जैसे रेत का घर होता है वो चार पांच दस दफा आप करेंगे तो आपका जो जिसको झिझक होती है वो खत्म हो जाएगी फिर और इसके अलावा जो हमारा फेसबुक का एक ग्रुप मैंने बनाया है जिसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं वो भी हम जो है आपको ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप की वीडियो भी सॉरी यूट्यूब की वीडियो भी और, और फेसबुक का ग्रुप भी ये दोनों मैं शेयर कर दूंगा आप उधर से ज्वाइन कर लीजिएगा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अगर रिपोजिटरी से स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक यहाँ पर पूछ लें अगर आपको अपने डाटा से अपनी चीज़ों से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो बेशक आप फेसबुक में पूछ लीजिएगा मैं इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी हो जाए ठीक है अगर कोई और मजीद क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस सेशन को यहीं पे जो है वो आप करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और दुआओं में याद रखिएगा रमजान का महीना है तो दुआ, दुआ करें हमारे लिए भी दुआ करें इनशाला फिर आपसे जो है वो दोबारा मुलाकात होगी मैं आपको ना कुछ कल तक जो है ना बता दूंगा कि नेक्स्ट सेशन के अग, कब होगा ताकि आप लोग उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर कर ले आप में से अगर किसी बंदे ने ज्वाइन नहीं किया हमारा कम्युनिकेशन वाला जो मेन ग्रुप है तो व्हाट्सएप वाला तो उसको काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा और चलें सही है जी ठीक है जी अल्लाह हाफिज़ जी